अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक कीवर्ड। हेडिंग डालो स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं एक तरह से, इससे ये आपके क्या करते हैं, अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो जावा के अंदर, तो जो भी आपके मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं क्लास लेवल के वेरिएबल्स बन जाते हैं, क्लास लेवल के वेरिएबल्स और मेथड्स बन जाते हैं। अब वो कैसे यूज होता है थोड़ा सा देखते हैं उसको, और क्या पर्पज है इसका थोड़ा सा समझते हैं। हेडिंग डाल ली स्टैटिक कीवर्ड, इसमें लिखो स्टैटिक इज अ जावा कीवर्ड स्टैटिक इज अ जावा कीवर्ड विच इज यूज टू इम्प्रूव विच इज यूज टू इम्प्रूव शेयरेबिलिटी इन जावा एप्लीकेशन। विच इज यूज टू इम्प्रूव शेयरेबिलिटी इन जावा एप्लीकेशन। इसके आगे लिखो इट इज ऑफ फोर टाइप्स। ठीक है, पहला है आपका स्टैटिक कीवर्ड, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा है आपका स्टैटिक मेथड, तीसरा है आपका स्टैटिक ब्लॉक, चौथा है आपका स्टैटिक इंपोर्ट। एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट बस, मैं 2 मिनट दीजिएगा सर, एक बात कर रहा था। ठीक है, यस सर, एक कॉल आ गया था सर, वो एक जो ना जरूरी था, वो उस सामान ऑर्डर किया था ना सर उसके लिए। तो तुम भी ब्लिंकिट से मंगाते हो? नहीं सर, ब्लिंकिट नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी मिल जाए। अच्छा, ठीक है। इसमें लिखो स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक इज अ जावा कीवर्ड विच इज यूज टू इम्प्रूव द शेयरेबिलिटी ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है ना, इसके आगे लिखो इट इज अ फोर टाइप्स। पहला है स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक मेथड, तीसरा स्टैटिक ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज स्टैटिक इंपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, इसमें स्टैटिक वेरिएबल पहला टॉपिक डालो, इसके अंदर लिखो स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉर्मल जावा वेरिएबल्स। एक मिनट सर, स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉर्मल जावा वेरिएबल्स। यस सर। विच
एक मिनट, विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड, विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्जीक्यूट, विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्जीक्यूट, रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्जीक्यूट, यस सर, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ लोडिंग, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ लोडिंग, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ लोडिंग द रेस्पेक्टिव क्लास बाइट कोड, क्या सर, द रेस्पेक्टिव क्लास बाइट कोड, the respective class byte code to the memory, इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं और ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है. उसको देखते हैं अभी. अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज स्टैटिक वेरिएबल का, क्लास बनाई मैंने, ठीक है. इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया. एक सेकंड, एक गेट खोल के कौन गया? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? चल, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी, लिखा हुआ आ रहा था. ना, वीडियो पॉज नहीं हुई थी. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज थी ना, तो थोड़ा सा अभी एक सेकंड गेट बढ़ गया था. ठीक है, लेट सपोज मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, int a इज इक्वल्स टू 10, क्लास लेवल वेरिएबल है ध्यान रखना. और एक मैंने लिया स्टैटिक int b इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, वैल्यूज मैटर नहीं करती, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है इसके अंदर. स्टैटिक तो क्या मतलब है? स्टैटिक वही मैं दिखा रहा हूँ. स्टैटिक से क्या होता है ना, स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसको हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के ऊपर, मेथड के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर और इम्पोर्ट स्टेटमेंट, है ना. तो अभी इसमें देखो, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का और एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है. क्लियर है? अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं. एक मेथड बनाते हैं, void, कुछ भी ले लेते हैं, मेथड वन, और इसके अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट this dot a, ठीक है. और लेते हैं इसमें एक क्लास, और लेते हैं इसको ले लेते हैं क्लास को a. इसके अंदर हम मेन मेथड बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड में. मेन के अंदर हमने क्या करा, इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया. इसको कुछ और नाम देते हैं, लेट्स सपोज डी डी ए ए इज इक्वल्स टू न्यू ए. ये तो पता ही है, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते तो कैसे बनता है. क्लियर है? यस सर, यस सर. अब इसमें देखो, इसको प्रिंट कराते हैं. एक सेकेंड, इसको देखते हैं. A डॉट
डी स्मॉल ए और इसमें आ गया कैपिटल, कैपिटल ए और टी, क्या एरर दे रहा है इसमें? हाँ चलाते हैं, पहले इसको रन करा के देखते हैं थोड़ा सा। जावा सी फाइल का नाम लो, जावा, जावा फाइल, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, इसमें आप एक चीज देखो, ये जो आप बी जो बी जो वेरिएबल है ये हमने स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, इसको हम देखो ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। एक तो जो स्मॉल ए है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, कैपिटल ए हमारा क्लास है, क्लियर है? स्मॉल ए हमारा ऑब्जेक्ट है, कैपिटल ए हमारा क्लास है। अब इसमें एक चीज देखना, ठीक है, इसको और कॉल कराते हैं, ए कॉल मेथड, ए अच्छा इसको कॉल कराते हैं, ये हमारे ये नॉर्मल कॉल हो गया। अब स्टैटिक कीवर्ड लगाने से हमारा ये जो वेरिएबल है, मेनली ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया। मतलब मेन क्या है, ये देखो ये आपका नॉर्मल चल रहा है, डी जो है आपका, जैसे आप दिस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, मेथड हमारा नॉर्मल चल रहा है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इसको, और इसको भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब इसमें ये जो वी वेरिएबल है ये मेन इस लाइन का है सारा केस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बी वेरिएबल है ये आप देखोगे मैंने स्टैटिक डिफाइन कर दिया है, स्टैटिक डिफाइन करने से क्या हो गया, ये जो वेरिएबल है ये आपके क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया। क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया इसका क्या मतलब है, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, अगर मैं इन सबको कमेंट कर दूँ और इसको मैं चलाऊँ तब भी ये मेरा चलेगा, ठीक है। अब ये जो बी वेरिएबल है अगर मेरे को जो स्टैटिक अगर मैंने इसके आगे लगा दिया तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल आपका क्लास लेवल का वेरिएबल बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, क्लास लेवल का वेरिएबल बन जाता है। समझ में आया कुछ? ए डॉट बी क्यों लगाया, कैपिटल है, कैपिटल ए आपका क्लास का नाम है, इस क्लास का नाम कैपिटल ए, इसको ऐसे कर लेते हैं ए क्लास, ठीक है, ऐसे, ठीक है, yes. ये आपके क्लास का नाम है, कुछ भी हो सकता है, और आपने क्या करा डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू आपने इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, ठीक है। आपका ये जो वेरिएबल है आपका क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया। एक चीज करते हैं इसमें, ट्राई करते हैं, बहुत टाइम हो गया ट्राई करें। इसको कमेंट करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो बी है इस बी वेरिएबल को इज इक्वल्स टू बी प्लस वन, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस वन, अब इसको कॉल कराते हैं और इसके अंदर अब इसको दोबारा से कॉल कराते हैं, कंपाइल हो गया, रन हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, सिंपल सारी चीजें हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया मैंने अब, और ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया।
अब इसमें मैंने क्या करा है, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेरे को मिल गया, मैंने सिंपल क्या करा ए क्लास बी को कॉल कराया डायरेक्टली क्लास लेवल के थ्रू, अदरवाइज मैं क्या करता है स्मॉल ए के थ्रू कॉल कराता, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू कॉल कराता, इसको ओबीजे का नाम दे देते हैं ओबीजे, और इसको दे देते हैं ओबीजे, ठीक है। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल कराया है, इस मेथड में क्या हुआ है मेरी जो वैल्यू है बी की वो मॉडिफाई हो गई है ना, और बी की वैल्यू क्या हो गई है 101, ठीक है। सर अभी समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इसको चलाता हूँ, मैं यूज केस बना रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अब इसका एक तब आपके अभी अभी सिंपल वे में बता दीजिए स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा बहुत करूंगा तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा। नहीं नहीं मैं समझाऊंगा पूरा, अभी रुको एक सेकंड। अब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास को कॉल कराया ओबीजे वन डॉट मेथड, और इसको मैंने दोबारा से कॉल कराया ओबीजे वन, ओबीजे वन इसको ओबीजे वन क्लास भी अब समझाता हूँ यूज केस क्या है इसमें। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, अब इसको एक चीज समझो, ये जो बी वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, इस बी वेरिएबल की वैल्यू 100 है। मैंने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया एक ओबीजे नाम से, उसको मैंने क्या करा उसके अंदर मेथड वन को कॉल कराया, इसने क्या करा बी की वैल्यू में 1+ ऐड कर दिया, इसने क्या इधर प्रिंट कर दिया 101, क्लियर है obj.b, ठीक है सर। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा रहे हैं, अभी मैंने क्या करा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट बना के नहीं है, फिर इसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल कराया, ये मेथड कॉल हुआ, इस मेथड ने कुछ प्रोसेस करा, उसके बाद मैंने जो बी की वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट कराई, 101 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू नॉर्मल 100 थी, मैंने 1+ कर दिया तो 101 हो गई, ठीक है, वो इसके अंदर आ भी रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj1 नाम से, फिर दोबारा से ये मेथड कॉल कराया, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो वेरिएबल है इंट बी इसकी वैल्यू क्या होगी 100, यस सर 100 होनी चाहिए, क्योंकि हर क्लास में एक स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है सब कुछ, पुराने ऑब्जेक्ट का कुछ थोड़ी लेता है, ये आपका नया ऑब्जेक्ट है इस क्लास के थ्रू, तो इसमें ये बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100, यस सर, और मेथड मैंने कॉल कराया तो मेरी बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 101, क्या हो जानी चाहिए वैल्यू 101, yes, लेकिन ये आउटपुट में क्या दे रहा है 102, ये आउटपुट में क्या दे रहा है 102, क्यों दे रहा है भाई 102 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये अब ये मैंने एक बार इसमें से स्टैटिक हटा दिया, अभी मैंने स्टैटिक लगा के चलाया था, अब मैंने इसमें से स्टैटिक हटा दिया, दोबारा चला के देखते हैं, अब ये 101 दे रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, है ना, अभी नहीं मतलब ये क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में जो बी की वैल्यू थी 100 उसने 1+ करके 101 आउटपुट दे दिया, एक और बनाया सेम कॉपी करके नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसने भी 101 दे दिया, है ना, लेकिन मैंने जब स्टैटिक बना दिया इसको, जब मैंने इसको स्टैटिक बना दिया तो उस टाइम पे ये मेरे को क्या दे रहा है 102 वैल्यू दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट लेवल का ना होके स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया है, ये आपका जो वेरिएबल है क्लास ऑब्जेक्ट लेवल का ना होके क्लास लेवल का बन गया है स्टैटिक लगाने से, तो मतलब वैल्यू बढ़ाएगा मतलब वो प्लस वैल्यू जो आप चेंज करोगे पुराने ऑब्जेक्ट में वो आपको नए ऑब्जेक्ट में भी मिलेगी, समझते हैं दोबारा से, थोड़ा सा एक दिखाता हूँ,
बाद में देखो कुछ समझ में नहीं आता, जो होता है अभी होता है, सामने होता है ना। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं। पेन आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, एक क्लास है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है आपका? क्लास का नाम क्या है हमारा? ये क्लास का नाम है। इसमें हम टेक्स्ट ले गए, ये हमारा क्लास का नाम हो गया, ये हमारी क्लास है, क्लियर है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना रखा है बी, मैंने एक वेरिएबल बी बना रखा है। एक वेरिएबल मान लो मैंने एक और ले रखा है ए, ठीक है। अब एक बी वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल है। ये जो ए वेरिएबल है, कहाँ गया, ये जो ए वेरिएबल है ये आपका आपका ऑब्जेक्ट लेबल का है। इसको हटाते हैं, इसमें ये आपकी क्लास है। ये जो ए वेरिएबल है ये आपका ऑब्जेक्ट लेबल का वेरिएबल है। तो इसकी लोकेशन जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर ये वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल ए और ये मेथड मेथड वन, ये जो मेथड है ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक ये ए वेरिएबल आ गया और एक ये मेथड वन मेथड आ गया, क्लियर है। जब मैंने सर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, जब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर क्या होगा, ए वेरिएबल का एक और क्लोन आ जाएगा इसके अंदर, और एक मेथड वन एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए है ये आपका ओबीजे वन मान लो, ओबीजे वन, और ये क्या है आपका ओबीजे टू, ठीक है। ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ओबीजे वन और ओबीजे टू, ठीक है। ये जो नॉर्मल वेरिएबल था इंट ए और मेथड, ये दोनों क्या हो गए, एक जो ऑब्जेक्ट है इसमें अटैच हो गए ए और मेथड, और एक ये ऑब्जेक्ट है इसमें अटैच हो गए ए और मेथड। अब ये जो वेरिएबल है बी, जब मैंने स्टैटिक लगा दिया तो ये क्या होता है, क्लास लेबल का वेरिएबल बन जाता है। ये जो बी वेरिएबल है ये क्लास लेबल का वेरिएबल बन गए। क्लास लेबल का वेरिएबल से क्या मतलब होता है, कि ये आपका जब ऑब्जेक्ट लोड होता है, जब कोड आपका लोड होता है उसी टाइम पे ये आपकी लोकेशन को स्टोर कर लेता है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं रहता, ये आपका ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं रहता। ये जो बी वेरिएबल है ये आपका क्लास लेबल का वेरिएबल होता है, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं रहता। लेट सपोज इस कोड के अंदर मैंने क्या करा, बी की वैल्यू को चेंज करके, नहीं लेट सपोज कर दिया मैंने बी प्लस टेन, बी प्लस मैंने क्या कर दिया टेन, और बी की वैल्यू मान लो क्या है हमारी 100 है। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या है, जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है वो क्या है 100 है। इसने क्या करा, बी इज इक्वल टू बी प्लस 10 कर दिया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 110। बी की वैल्यू 110 हो गई, किस में हो गई, इस क्लास लेवल वेरिएबल में, ठीक है। अब जब कभी भी या तो ये एक्सिस करे या ये एक्सिस करे, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों को 110 मिलेगी, क्लियर है। यस सर। अब ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू अगर मैं ऑब्जेक्ट वन में चेंज करूंगा, लेट सपोज मैंने इसकी वैल्यू कर दी ए प्लस टेन, हाँ नेट नहीं आ रहा भाई, कर देगा, चल रहा है नेट चल रहा है। ए इज इक्वल्स टू मैंने ए प्लस टेन कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे वन में, और ए की वैल्यू लेट सपोज टेन थी पहले से, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20, ए की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। ए की वैल्यू डिफॉल्ट 10 थी तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20। लेकिन जो दूसरा मैथ दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ए की वैल्यू क्या रहेगी 10 रहेगी, जब तक मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, क्लियर है। तो ये ए इस ऑब्जेक्ट के लिए है, ये ए इस ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये जो बी है जो मैंने स्टैटिक इसके आगे लगा दिया, अगर मैंने इसके आगे स्टैटिक लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका क्लास लेवल का वेरिएबल बन गया। इस वेरिएबल को ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये समझ में आया। यस सर। ये जो बी है आपका क्या बन गया, क्लास लेबल वेरिएबल। ये बी आपका क्या बन गया, क्लास लेबल वेरिएबल। इसके अंदर एक चीज और करते हैं, सेम यही चीज है, ए की वैल्यू ले लेते हैं 100, आगे देखते हैं। और मैंने क्या करा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन है ना, और मैंने क्या करा,
मैंने इसमें ए को भी एक्सेस कर लिया और मैंने इसमें भी ए को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब ये जो बी है, बी मेरा क्या है, क्लास लेवल का वेरिएबल है ना कि ऑब्जेक्ट लेवल का, और ये जो ए है ये मेरा ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल है। तो जब कभी भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए की वैल्यू आपकी एक तरह से मान लो जो इनिशियल वैल्यू थी वो हो जाएगी, लेकिन जो बी की है जितने ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे जो आपने प्रीवियस उसके अंदर चेंजेस करते गए हो वो आपको नए ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस मिलेंगे। ए में नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि ए आपका ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल है। देखो 101 और 102 एंड 101, ये जो ए की वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई, ये जो मेथड कॉल हुआ उससे चेंज हुई है, लेकिन जो बी की वैल्यू है ये पुरानी वैल्यू को लेके आ रहा है। ये जो बी की वैल्यू इधर 101 हुई थी इसमें इसने 1 प्लस कर दिया जब ये मेथड कॉल हुआ। सर एक और नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 103 हो जाएगी। अब अगर आप एक और नया ऑब्जेक्ट बनाओगे या मेनली अगर इस मेथड को कॉल करोगे तो आपकी वैल्यू जो आपने बोला है बी में बी प्लस 1 हो जाए तो आपकी वैल्यू 103 हो जाएगी इस मेथड के कॉल करने पर, क्योंकि चेंज तो आप इसी के अंदर कर रहे हो मेथड 1 के अंदर। क्लियर है सर, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी, ये जो बी है आपका, ये बी आपका क्या है, क्लास लेवल का वेरिएबल है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू ना करके आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही इसके अंदर भी आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ना करके आप क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। बात वही है, स्टैटिक वाले को सर। हाँ, स्टैटिक वाले को, अगर आप नॉर्मल वाले को करोगे तो वो आपको एरर देगा। देखो 101 सेम वैल्यू आई इसकी और सेम वैल्यू आई इसकी, है ना। ये आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है जो आपका ऑब्जेक्ट लेवल पर एसोसिएटेड रहता है, ये आपका क्लास लेवल पर एसोसिएटेड रहता है। इस एग्जांपल को एक बार लिख लो, फिर मैं स्टैटिक मेथड और बताऊंगा इसमें। इसको लिखूं सर, स्क्रीनशॉट खींच, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, एक मिनट बस मैं इसको स्टैटिक मेथड कर दूं। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी, और इस फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ। नाम मैंने डिफरेंट कराया क्लास का, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हम देखते हैं स्टैटिक मेथड, ये समझ में आ गया? यस सर। प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा। अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल था इसका आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, जब आप डेटाबेस से कनेक्शन करोगे तो आपका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बना के दिया या कुछ भी आपने बना के दिया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और वो स्टैटिक का एग्जांपल सीधे सीधे आप ये मान के चलो, लेट सपोज आप स्टूडेंट डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट डेटा का आप कलेक्शन बना रहे हो तो उसमें क्या है, एक प्राइमरी की होती है जो कि रोल नंबर जैसा होता है, 1, 2, 3, 4 सबका डिफरेंट होता है। डेटा इंसर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को आपने प्लस 1 कर दिया तो अगला ऑब्जेक्ट जो बनाओगे उसके अंदर आपको जो आपका जो रोल नंबर की वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और देखेंगे डिटेल में जब और क्लियर समझ में आएगा। स्टैटिक मेथड इसी में आगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। स्टैटिक मेथड में लिखो, इट इज अ नॉर्मल जावा मेथड। एक मिनट सर, यस सर, इट इज अ नॉर्मल जावा मेथड, यस सर, which can be recognized, which can be recognized and execute, which can be recognized and execute, yes sir, at the time,
एट द टाइम व्हेन वी एक्सेस दैट मेथड. नॉर्मल जावा का मेथड है जैसे बाकी सारे मेथड्स होते हैं, बस इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस वो अभी हम देखते हैं. इसमें आगे लिख लो, जैसे अभी हमने वेरिएबल के साथ करा था, इट कैन बी एक्सेस इसके आगे लिखना है सर. हाँ, पॉइंट फुल स्टॉप लगा के लिख दो. इट कैन बी एक्सेस यस सर ईदर बाय रेफरेंस वेरिएबल ब्रैकेट में लिख दो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ईदर बाय रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास और बाय यूजिंग रेस्पेक्टिव क्लास नेम और बाय यूजिंग रेस्पेक्टिव क्लास नेम. ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, सॉरी स्टैटिक मेथड क्या होता है. जैसे स्टैटिक वेरिएबल होता है ये भी आपका क्लास लेबल का मेथड होता है. जैसे स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेबल का वेरिएबल होता है, स्टैटिक मेथड आपका क्लास लेबल का मेथड होता है. इसमें एक पॉइंट और लिख लो, स्टैटिक मेथड्स आर नॉट अलाउड. एक मिनट सर, एक पॉइंट और है इसमें आगे थोड़ा सा और है, बोलिए. स्टैटिक मेथड्स आर नॉट अलाउड टू यूज दिस कीवर्ड. यस सर. ठीक है, दिस कीवर्ड यूज नहीं करते इसके अंदर क्योंकि हम डायरेक्टली इसको मेथड को कॉल करते हैं, क्लास लेवल का होता है तो उससे हमें दिक्कत आती है, इसीलिए उसमें हम यूज भी नहीं कर सकते. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ. इस मेथड को हम स्टैटिक कर देते हैं. ठीक है, स्टैटिक मैंने कर दिया तो इसके अंदर आपके इसके अंदर आप एक चीज देखो, जैसे मैंने इस मेथड को स्टैटिक करा, जो आपका नॉर्मल वेरिएबल था आप उसको इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते पहली बार, है ना. नॉर्मल वेरिएबल को आप इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें क्या देगा, एरर देगा. क्यों एरर देगा, क्योंकि ये जो ए है, ए इज दिस ऑब्जेक्ट, जब कभी भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हमें इसमें से हटाना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो बी है, बी हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है और ये स्टैटिक मेथड है, तो हम इसको भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर है ये, इस बी को जो स्टैटिक वेरिएबल है हम उसको मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, और इस मेथड को यूज करने के लिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको देखते हैं, चला के देखते हैं, सब हटाते हैं इसमें से. ए क्लास डॉट जो आपके क्लास नेम है और उसके बाद आपका मेथड नेम, है ना. अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा जो b की वैल्यू है वो आपकी डायरेक्टली इसमें कॉल हो जाएगी. इसके अंदर प्रिंट भी लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट. सर हम मेथड की जगह कुछ भी डाल सकते हैं ना, मेथड वन जो मैंने लिखा है. यस सर. हाँ हाँ, कुछ भी डालो, चला के देखो भाई, आपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या इसके अंदर फिक्स्ड है. अब जैसे SOP है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपका सिस्टम का है पूरा का पूरा, है ना, इसको हमने नहीं बनाया, लेकिन ये ये जो मेथड है हम इस खुद बना रहे हैं, तो इसको हमें इसमें मेथड वन लिखना है, मतलब कुछ भी मेथड का नाम देना पड़ता है. हैंग हो रहेगा लैपटॉप. ये हैंग क्यों हो रहा है,
हाँ सर थोड़ा लैग मार रहा है। ठीक है भाई। ठीक है हो गया। हो गया लैपटॉप। भूत आ गया इसके अंदर। सर वो ड्राइवर रिफ्रेश कर लीजिए। रिस्टार्ट मारना पड़ेगा मेरे को। देखते हैं। हो गया स्लो। स्लो हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया स्टैटिक। मेथड क्या हुआ। ओहो ठीक कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं। ठीक है रन हो गया। आप देखो ये जो मेथड है हम क्या कर पा रहे हैं। देखो डायरेक्टली इसको कॉल कर पा रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। डायरेक्टली क्लास नेम से हम एक्सेस कर पा रहे हैं मेथड को और हर बार जब कभी भी हम कॉल कर रहे हैं इसको हम इसके अंदर मॉडिफाइड वैल्यू हमें मिल रही है। क्लियर है। एक मिनट सर, स्टैटिक वर्ड मेथड। सर एक क्लास डॉट मेथड फिर आपने खाली छोड़े हैं 3 बार, ऐसा क्या है सर? मतलब खाली छोड़े हैं समझा नहीं। खाली से मैंने मतलब 3 बार आपने एक क्लास डॉट मेथड को लिखा। दिखाने के लिए कि आप देखो वैल्यू आप कॉल मेथड को कॉल कर पा रहे हो। आप देखो वैल्यू नीचे चेंज होके आपको मिल रही है। अच्छा, 101 102। ठीक है अब सिंपल एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा और चेंज करूंगा इसमें मैं। अभी हम क्या कर रहे हैं देखो क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के तब भी हमारी वैल्यू मॉडिफाई होके हमें मिलेगी। क्योंकि जो वेरिएबल इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है। स्टैटिक टाइप का है और उसकी वैल्यू भी आपकी क्लास लेवल की होती है। ठीक है लेट सपोज ए क्लास ए सी इज इक्वल्स टू न्यू ए क्लास। ठीक है और इसको दे देते हैं AC1, इसको AC2। इसको हम कॉल कराते हैं इस मेथड को। अगर हम इसके थ्रू भी कॉल कराएंगे या इसके थ्रू कॉल कराएंगे या इसके थ्रू कॉल कराएंगे आपको वैल्यू जो मिलेगी आपको मॉडिफाइड वैल्यू ही मिलेगी इस केस में भी। चला के देखें। कंपाइल हो गया और ये आपका रन हो गया। इस केस में भी देखो आप अगर मेथड के थ्रू कॉल कर रहे हो आप देखोगे कि इसमें भी आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको हर ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाइड वैल्यू मिल रही है। क्लियर है। सर ये क्या एरर दिखा रहा है लाइन जो आ रही है? वार्निंग है ये नहीं ये वार्निंग है। स्टैटिक मेथड इस क्लास तो आपको डायरेक्टली यूज करना चाहिए। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस होती है क्लास के थ्रू आप एक्सेस करो। ये क्लास के थ्रू एक्सेस किया हुआ है ना सर? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया AC AC1 AC2 और मेथड को कॉल करा रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू और ऊपर जो हमने 3 करे हैं डायरेक्टली हमने क्लास के थ्रू करेंगे।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला इसके अंदर है स्टैटिक ब्लॉक। अगला इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक, यस, तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा पॉइंट स्टैटिक ब्लॉक है। यस सर, अभी हमने एक इंट ब्लॉक देखा था ना, इनिट ब्लॉक देखा था हमने, डिफॉल्ट खाली ब्लॉक, इस तरह से याद होगा पिछली बार कंस्ट्रक्टर से पहले जो कॉल होता था इंट ब्लॉक। हाँ सर, हाँ है ना, इनिट ब्लॉक है ना, सेम उसी तरह से, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम देखते हैं। इसमें देखो, स्टैटिक ब्लॉक इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन Static block is a set of instruction yes, sir. which can be recognized and execute recognized and execute yes, sir. at the time yes, sir. of loading the respective class yes sir byte code to the memory Yes, sir. इसमें आगे लिखो, स्टैटिक ब्लॉक्स आर नॉट अलाउड टू यूज दिस कीवर्ड। यस सर, ठीक है। अब स्टैटिक ब्लॉक देखते हैं। लेट सपोज मेरी ये क्लास है, सेम ए क्लास, और मेरी एक ये मैंने क्लास दे रखी जो फाइल का नाम है स्टैटिक ब्लॉक और फायर करना, ठीक है। इसके अंदर मेन है मेरा, इसके अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं पहले, है ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर रख लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरा स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, कुछ डेटा है इसके अंदर, मैं एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूं। स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए मेरे को क्या करना होता है, डायरेक्टली स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना होता है और उसके आगे मेरे को ब्लॉक बना देना होता है। तो ये मेरा क्या बन गया, स्टैटिक ब्लॉक बन गया। क्लियर है? यस सर। अब इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो मेरा डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, और ये कोड जो मेरा है, जब क्लास आपका, मतलब जब कभी भी आप रिकॉग्नाइज करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, जब कभी भी इसको एग्जीक्यूट करते हो तो उस टाइम पे ये आपका लोड होता है, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, इसको अगर मैं चला के देखूंगा, देखो मैंने मेथड इस ब्लॉक को कॉल नहीं करा है, मैंने बस क्या करा है, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे कंस्ट्रक्टर में याद है आपको मैंने ब्लॉक बनाया था, ब्लॉक को चलाया था, उसी तरह से आपका ये वाला भी है। ठीक है, इसमें आप देखो ये जो ब्लॉक है, जैसे उसके अंदर कॉल होता था आपको याद होगा इनिट ब्लॉक, उसी तरह से आपका स्टैटिक ब्लॉक होता है। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है आपका, जब क्लास आपका लोड होता है, बाइट कोड बनता है, उस टाइम पे ही आपका लोड हो जाता है। आपने देखो रन कराया, जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी टाइम पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। आपने इसको कॉल नहीं कराया, आप इसको कॉल नहीं करा सकते, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है ये? अब इसके अंदर लेट सपोज अगर आपको ये नॉर्मल वेरिएबल यूज करना है तो आप कैसे करोगे मेरे को बताओ, अगर ये कोई मेथड होता तो आप किस तरह से यूज करते इस वेरिएबल को, मेरे को बताओ जरा। या तो डायरेक्टली यूज करते, है ना,
कंपाइल करा मैंने, आपको क्या होगा, एरर मिल गया। एरर क्या मिला आप देखो, इसके अंदर जावा स्टैटिक ब्लॉक, इसके अंदर क्या मिला, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। क्या एरर मिला आपको, एरर मिला कि भैया नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसको मेरे को मान लो बाय चांस यूज करना है इस ए वेरिएबल को, तो मैं कैसे यूज करूंगा, ये जो मेरी क्लास है मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस ब्लॉक के अंदर। एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखना, इसके अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके थ्रू मैं इस वेरिएबल को जो ए है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको कैसे एक्सेस करूंगा, मैं इस क्लास का दोबारा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसके अंदर और उसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करूंगा। अब मैं चला के देखता हूँ दोबारा से, कंपाइल करा और रन कर दिया, चल गया। आप इस नॉर्मल वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, डायरेक्टली आप एक्सेस ही नहीं कर सकते इसको। समझ में आया, इसको लिख लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्टैटिक ब्लॉक का। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस ये जो ब्लॉक है ये मैंने पहले देख रखा है और इसमें क्या डिफरेंस है, प्लस आप कहोगे ये जो स्टैटिक वेरिएबल है और ये स्टैटिक मेथड है ये कहाँ काम में आते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल आपका वहाँ काम में आता है जहाँ पे आपको कोई रिलेशन रखना है, जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, कोई एक वेरिएबल हो जिसको आप मॉडिफाई कर सको, ठीक है, या फिर आप पिछले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखना चाहते हो उस वाले वेरिएबल के अंदर, तो आपका स्टैटिक वेरिएबल वहाँ काम में आता है। स्टैटिक ब्लॉक, सॉरी स्टैटिक मेथड कहाँ काम में आता है, लेट सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपके पास क्या है 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आप समझना इसको, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये जो स्टैटिक क्या कहते हैं मेथड है, स्टैटिक मेथड का कहाँ काम आता है। लेट सपोज आपकी एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, स्टूडेंट नाम से आपकी क्लास है। चलो पहले मैं समझाता हूँ फिर इसका एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। अब आपने क्या करा, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है करण, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्वयं, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है उत्कर्ष, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ABC, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है श्याम, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सीता, और ऐसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है। अब आपने क्या करा, हर स्टूडेंट के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया, समझना। अब क्या करा आपने, हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया, समझ में आ रहा है। yes, sir. ये आपकी क्लास है स्टूडेंट क्लास, और आपने क्या करा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया अलग अलग स्टूडेंट्स के। उत्कर्ष बैकग्राउंड से आवाज इको कर रही है थोड़ा सा, तुम्हारी साइड से। नहीं सर, नहीं बोलता हूँ ना, जो आप स्पीकर है आपका और जो आपका माइक है वो दोनों नियर बाय है। नियर बाय मतलब सर, मतलब आपके लैपटॉप पे स्पीकर होंगे और आपका जो माइक है जो आप जिससे बोलते हो वो लैपटॉप के अंदर ही होता है, तो या तो आप बंद कमरे के अंदर हो इस वजह से आवाज गूंज रही है, या फिर जो लैपटॉप है आपने ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे आवाज एक तरह से ब्लॉक हो रही है। अच्छा सर, हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम कम करोगे मेरे हिसाब से आवाज नहीं आएगी। इको वॉल्यूम अपनी कम कर दूं सर मैं? वॉल्यूम जो स्पीकर की होती है ना वो कम कर दो। अच्छा अच्छा सर, थोड़ी सी करना। हेलो, कर दिए सर। हेलो हेलो, अब ठीक है, अब नहीं आ रही, पहले बहुत तेज आ रही थी, अब आ रही हल्की हल्की आ रही है। अब ये देखो, ये एक मेरी क्लास है, ये मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स के, ठीक है,
अब पहले समझते हैं वेरिएबल का केस। जो स्टैटिक वेरिएबल है, लेट सपोज मैंने वेरिएबल का नाम दिया रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर वेरिएबल का नाम दिया, मैंने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे दी वन, इनिशियल वैल्यू वन दे दी। इसने क्या करा, इसमें गया, इसका रोल नंबर जब ऑब्जेक्ट बना, इसको वैल्यू असाइन कर दी वन, और उसके अंदर हमने एक मेथड और बनाया, उसमें क्या कर दिया, उस वैल्यू को प्लस वन कर दिया। तो एक तरह से आप ये मान के चलो इसको वैल्यू टू असाइन कर दी, इसको थ्री असाइन कर दी, इसको फोर असाइन कर दी, इसको फाइव असाइन कर दी, और इसको सिक्स असाइन कर दी, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाता तो मैं पीछे वाला कैसे पता कर सकता था कि इसका रोल नंबर क्या है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू बनती, इनिशियल स्टार्ट होता वन से, तो सबकी वैल्यू क्या होती, या तो वन होती या फिर आप एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू होती सबकी। मैंने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, मेरे को पता है कि भाई प्रीवियस वैल्यू क्या है, उसमें मैं प्लस वन करता जा रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। अब इसके अंदर लेट सपोज एक फॉर्मूला है, एक मेथड बनाया है, मेथड का नाम है कैलकुलेट, आपका क्या कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है, परसेंटेज आप निकाल रहे हो, PERC, ठीक है, परसेंटेज आप निकाल लो, एक मेथड बनाए हुए है आपने। जब आप इस वेरिएबल, जब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे, और अगर इस मेथड को आप क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल मेथड बना के चलोगे, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो मेथड आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो मेथड आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो मेथड आएगा, इसके अंदर भी आएगा, और एंड सो ऑन, सबके अंदर वो मेथड आएगा। अब कुछ भी हो कोड के अंदर, अगर वो एक तरह से आपका बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो कुछ स्पेस तो लेगा, मान लो 5 बाइट 10 बाइट 20 बाइट्स तो लेगा वो। अगर मैं इस वेरिएबल को नॉर्मल बना दूंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेफर हो जाएगा, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रेफरेंस रहेगा। तो मान लो 100 स्टूडेंट है, तो आपके 100 ऑब्जेक्ट बनेंगे, 100 ऑब्जेक्ट के अंदर 100 मेथड के रेफरेंस रहेंगे, है ना। अगर मैं इस मेथड को ऑब्जेक्ट लेवल ना करके क्लास लेवल का कर दूं, तो ये मेथड कितना रहेगा, एक ही मेथड रहेगा। अब ये ऑब्जेक्ट लेवल का ना रह के जो 50 बनते, ये केवल आपके क्लास लेवल का एक मेथड बन गया, है ना। यस सर। तो इससे क्या हुआ, आपका स्पेस कम हुआ, स्पेस मेमोरी जो आपकी है, जो पहले इतनी ज्यादा एलोकेट हो रही थी, अब आपकी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब इसी में थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट सपोज आपको क्या करना है, आधार कार्ड वाला सिस्टम है, ठीक है, आधार कार्ड वाला सिस्टम है, आपने एक क्लास बना रखी है, उसके अंदर आपने क्या कर रखा है, क्या बोलेंगे, आधार कार्ड पे पर्सन, लेट सपोज एक पर्सन नाम से क्लास बना रखी है, और आपने क्या कर रखा है, आपके पास कितने, इंडिया के अंदर कितनी जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो आपने क्या करा, कुछ डेटा आपने रीड करा, तो उसके लिए आपने क्या करा, 140 करोड़ ऑब्जेक्ट बना दिए, 140 करोड़ ऑब्जेक्ट बना दिए, ऐसे आपके ऑब्जेक्ट बन गए, 140 करोड़ ऑब्जेक्ट बन गए। अब इसमें क्या है, एक मेथड है लेट सपोज, जिसके अंदर है आपका प्रिंट नेम एक मेथड है। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट लेवल का रखोगे तो कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, 140 करोड़ ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड्स क्रिएट हो जाएंगे। यस सर। 140 करोड़ ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड क्रिएट हुआ, अगर एक बाइट भी ले रहा है वो ऑब्जेक्ट, सॉरी मेथड, तो कितने हो गए, 140 करोड़ बाइट हो गए वो उसी मेथड के। यस सर। अगर उस मेथड को मैं ऑब्जेक्ट लेवल से निकाल के क्लास लेवल का कर दूंगा, तो वो 140 करोड़ बाइट जो ले रहा था, अब कितने लेगा, केवल एक बाइट लेगा। यस सर। क्योंकि वो क्लास लेवल का हो गया, क्लास की नहीं बढ़ेगी सर, क्लास का एक ही बाइट तो बढ़ा, क्लास आपकी एक रहती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास तो एक ही रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके 140 करोड़ बन रहे हैं, हर पर्सन का, जो भी हर क्या कहते हैं नागरिक है, कैंडिडेट क्या कहते हैं इसको, सिटीजन है इंडिया का, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो 140 करोड़ ऑब्जेक्ट बनेंगे उस केस में। यस सर। और अब कितने बने, एक ही आपका उसका रेफरेंस रह गया, क्लास लेवल का एक ही मेथड रहा, ना कि 140 करोड़, तो कितना स्पेस कम हो गया। जहां आपकी कोई एप्लीकेशन मतलब 100 GB रैम लेती, 100 GB रैम, वो आपकी अब कितनी लेगी, लेट सपोज 1 GB लेगी, क्योंकि 140 करोड़ बाइट आपने बचा लिए। यस सर। मतलब कितना भी मान लो 100 GB ले रही थी, तो बहुत कम लेगी उससे अब, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्पेस बचा लिया स्टैटिक मेथड बना के। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, तो इसीलिए आपका स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड यूज होता है।
वो मेथड जिसको हम बार बार यूज करना चाहते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि उसके अंदर इनिशियली ऑब्जेक्ट बनाने पे ही पर्पस फुलफिल करेगा, तो हम उसको क्या करते हैं स्टैटिक बना देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अभी की एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट वाला जो मैंने बताया था, स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद अपना ये स्टैटिक मेथड का पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टैटिक इंपोर्ट बचेगा, उसको भी अभी देखेंगे। इसका एक बनाते हैं, स्टैटिक किसका बना रहे हैं सर अभी वाला? ये स्टैटिक वेरिएबल और मेथड मिला के नहीं बना रहे हैं। स्टैटिक ब्लॉक तो समझ में आ गया तुम्हें? हाँ सर। है ना, स्टैटिक राइट अप प्रोग्राम, क्लास बनाई मैंने, ठीक है, एक मैंने क्लास बनाई आपकी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया लेट सपोज ऑर्डर, और एक मैंने लिया इसके अंदर रोल नंबर, एक मैंने इसकी वैल्यू दे दी इनिशियल एम्प्टी, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी इनिशियल वन, इसको मैंने हटाया, एक मैंने दिया इसके अंदर लेट सपोज ठीक है यही दो लेके चलते हैं, और एक मेथड बनाते हैं हम, स्टैटिक मेथड बना देते हैं, या हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, स्टैटिक बना देते हैं क्रिएट रोल नंबर और नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, स्टैटिक void small, इसके अंदर मैंने क्या करा, जो मेरी order है, क्या हो रहा है इसको, VS code पे आके slow हो रहा है, मेरा laptop hack तो नहीं कर लिया किसी ने? अरे नहीं सर, आपका Apple का आया, कैसे हो जाएगा? कोई भरोसा नहीं है आजकल, ऑर्डर प्लस वन हो सकता है ना, बच्चे कभी कभी चला देते हैं तो कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, चल दे, ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मैंने भी दो ही वेरिएबल्स दिए मेनली, एक उसका रोल नंबर हो गया, मैं उसका नेम ले सकता था, एड्रेस ले सकता था, और क्लास ले सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ले सकता था, अभी वो नहीं ले रहा। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया है जो क्या करेगा, अगले स्टूडेंट के लिए रोल नंबर को जनरेट करेगा, और एक चीज़ और बना देता हूँ मैं इसके अंदर, प्रिंट रोल नंबर, है ना, ताकि मैं रोल नंबर प्रिंट करा पाऊँ। एक बना देता हूँ मैं void print रोल नंबर, इसके अंदर मैं बस प्रिंट ये रोल नंबर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर को प्रिंट करा दिया, इसकी इनिशियल वैल्यू मैं दे देता हूँ आपकी ज़ीरो, ताकि अगर बाय चांस के लिए अगर मान लो सेट नहीं होता है तो इनिशियल वैल्यू इसकी ज़ीरो तो प्रिंट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और stu1, और stu1 के अंदर इसको मैं स्टैटिक ब्लॉक बना दूं, क्यों? यस सर, स्टैटिक ब्लॉक से क्या होगा, मेरे को कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, स्टैटिक ब्लॉक से क्या होगा, मेरे को इसको कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर एक चीज और करता हूं मैं, अच्छा ये रोल नंबर मेरा नॉर्मल है, इसके अंदर ही डाल देता हूँ अभी, इज इक्वल्स टू ऑर्डर प्लस वन और नेक्स्ट स्टूडेंट,
ये मैंने स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, ये क्या करेगा ऑर्डर की वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, और जो रोल नंबर है रोल नंबर के अंदर वो वैल्यू डाल देगा। इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि डी इनिशियल वैल्यू मैंने वन ली हुई है। इसको मैं कॉल कराता हूँ स्टू डॉट प्रिंट रोल नंबर। कोड समझते जाना, मैंने क्या करा है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या करा है एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है, एक नॉर्मल रोल नंबर वेरिएबल लिया है, एक मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिया है जिसके अंदर मैं स्टैटिक ब्लॉक जब कभी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे ये कॉल होगा। ये क्या करेगा ऑर्डर जो जिसकी वैल्यू वन थी उसकी वैल्यू क्या कर देगा टू कर देगा। ठीक है, सर। और ऑर्डर की वैल्यू इसको जीरो करनी पड़ेगी, अदरवाइज पहला रोल नंबर आएगा आपका टू। इसकी वैल्यू आपने क्या कर दी टू हो गई, इसका रोल नंबर प्रिंट होगा आपका। जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा मेथड कॉल होगा तो आपके स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट होगा जो कि फर्स्ट टाइम पे क्या होगा आपका वन। ठीक है, अब मैं अगला एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अरे भाई तो मैं देता हूँ STU2। सर मेरा रिजल्ट आ गया, कितने आए परसेंटेज? 70। सही है, 70 से ऊपर ही रखो बस, हो जाएगा। 70 एग्जैक्ट है, थोड़े ज्यादा कम? एग्जैक्ट सर। वाह रे वाह, सही है सर। ये फिफ्थ सेमेस्टर का निकल आया है। अच्छा, पुराने पुराने में कितना एवरेज बन रहा है? पुराने में मतलब सर पुराने मेरे साथ सेमिस्टर वाइज है, मतलब सेमिस्टर वाइज रिजल्ट निकलता है। हाँ तो पिछले सेमेस्टर में कितने बने हैं, एवरेज कितना बना है हर सेमेस्टर का मिला? हर सेमेस्टर सर फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन 60+। ठीक है, बढ़िया। पिछले वाले में सर ऐसे 68 या 67 ऐसे बने थे। सही है सही है, अब तो एंड में ज़्यादा मिलते हैं वैसे भी, तो आपके 75 के आसपास बन जाएगा एवरेज मेरे हिसाब से, है ना, एंड द एंड। ठीक है, अब इस कोड को देखो, उसको तैयारी करना साथ के साथ। इस कोड को देखो, इसके अंदर क्या करा है मैंने, जो इस क्लास है क्लास का मैंने इसके अंदर मेन है, मेन के अंदर मैंने क्या करा है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाया मल्टीपल 1 2 3 4। इसमें प्रिंट करा रहा रोल नंबर, इसमें प्रिंट करा रहा है, इसमें प्रिंट करा रहा है, इसमें प्रिंट करा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जब कभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, ऑर्डर की वैल्यू जो आपकी डिफॉल्ट जीरो है जैसे स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। ऑर्डर की वैल्यू जैसी आपकी बन हुई आपने क्या करा, जो आपकी ऑर्डर की वैल्यू है उसको आपने क्या करा रोल नंबर को असाइन कर दिया इसको। ठीक है, रोल नंबर को असाइन करा और आपने रोल नंबर उसका प्रिंट कर दिया। जैसे ही आपने स्टूडेंट टू का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑर्डर की वैल्यू जो वन थी अब क्या हो जाएगी टू, जैसे ही टू हुई तो अगले रोल नंबर क्या आएगा टू। ठीक है, इस तरह से आपका चलेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुराने वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नए वाले ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज वैल्यू दिखा रहे हैं। जावा सी डॉट जावा। ठीक है, अब मैंने इसको चलाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।